अच्छा एक अर्जी शबिता नाम की भी स्वीकार हुई है। शबिता लास्ट में है क्या? लास्ट वाली बहन जी शबिता हो ना, बैग लिए आ जाओ। हाँ काला बैग लास्ट में जी, आ जाओ। आप नजदीक आइए, माइक लीजिए। कहाँ से हैं आप जी? थोड़ा नजदीक आ जाओ बहन। नागपुर से। सीताराम बोलिए, क्या बात है? पहली बार आप दरबार आए हैं? अच्छा पूछो, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये, सरकारी नौकरी का योग होना चाहिए। ठीक है, मेरी भाभी को लड़का हो जाना चाहिए, दो लड़कियां हैं। बेटी है ना उनको? हाँ जी। और कोई प्रश्न? उन्नति रुकी हुई है, स्वस्थ रहेंगी आप। जॉब का प्रश्न लेकर आई, आप तो पढ़े लिखे हो ना, यही लिखा ना, जॉब आशीर्वाद, काली हवन करें व भावी को धाम के दर्शन करवा दें, पुत्र योग बन जाएगा आशीर्वाद। अभी वर्तमान में लेकिन आपकी तैयारी कमजोर है, कंपटीशन तेज करो, मन विचलित हो रहा है, उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आप कोशिश मतलब अध्ययन पर बहुत रूप से बहन ध्यान दो। और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ हमने इसमें लिख तो दिया है नीचे, आप भावी को करवाओ। एक मंत्र लिखा वो आपका है, आप चूंकि पंचाक्षरी मंत्र कर रहे हो अभी, पंचाक्षरी जी, पंचाक्षरी मंत्र आप बहुत कर रहे हो, अनवरत कर रहे हो, तो उसकी ऊर्जा तो है और आपकी अर्जी लगने का कारण भी पंचाक्षरी मंत्र है। क्योंकि अच्छा आपके पीछे जो रहस्य हैं दो हैं, ये पहले आप नीचे वाला मंत्र पढ़ लो, कि हम पीछे कुछ लिखना है। गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ने में आ गया? अच्छा नीचे वाला मंत्र समझ आ गया, अब हम आगे। हाँ सीताराम बोलो। कुछ बातें हमने लिखी हैं जो माइक से नहीं बोलेंगे बहन, ये आपके पूरे रहस्य। बराबर तीनों सही, सितारा। अगला नंबर, हे रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा, वरना बांध के ले जाएंगे हम। बैठो बेटा, कहाँ से हैं? अरे आप तो एक बार आ भी हैं, धाम है, हमें ध्यान आ गया आप, लेकिन लाली बड़ी भक्तन है। माइक लो बेटा, बड़ी है। हम जब बैठे थे अभी तो जो हमारे इसमें वाईफाई में सिग्नल आए ना, और लाली को बुलाने के, लाली बड़ी भक्तन है, बालाजी की भी भक्तन है और ठाकुर जी की भी भक्तन है, और बागेश्वर धाम को बड़ा भज रही। फिर वाईफाई में आओ बेटा नज़दीक। कहाँ से हैं? नागपुर महल। नागपुर से महल। पढ़े लिखे? हाँ जी। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो। मेरी शादी फिक्स हुई थी, बट उसके बाद से ऐसे फेजेस आने लगे लाइफ में, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, पता नहीं क्यों। और उसके बाद करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है, और घर पे भी बहुत डिस्टरबेंस लगा हुआ है। कोई बात नहीं, और कोई प्रश्न आप पढ़िएगा। सफल नहीं हो पा रहे कहीं करियर में, परेशान है आप, मन उच्चाटित है, मन में चार प्रश्न लेकर आप बैठे हुए हैं। सही है। बराबर, एक सफलता का,
दूसरा विवाह के मनोरथ का, जिसमें मन उच्चाटित हो रहा है, आप अभी रुक करके आगे करना चाहते हैं कि अभी हम रुकें, आगे की बात बढ़ाएं, लेकिन जहां तय हुई वहां पर आपका विश्वास नहीं जम पा रहा है, विश्वास टूट रहा है, इसलिए बहुत रो भी रहे, उस कारण से घर में भी बहुत कलेश बना हुआ है। आपने निर्णय बालाजी के चरणों में छोड़ा है कि हम करें या ना करें, इस क्वेश्चन को लेकर के आप आए हैं दरबार। सही।